नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, साइज के हिसाब से हमने अस्तर और कपड़े पर कट कर लिया है। अब इसके गले की कटिंग करना है। 14.5 इंच पूरी लंबाई ली है, 13.5 इंच इसकी पूरी लंबाई रखेंगे। शोल्डर 6 इंच लिया है, आर्म होल भी 6 इंच लिया है। डीप नेक गले का डिजाइन है, गले की चौड़ाई 3 इंच ले लेंगे। साढ़े 10 इंच इसकी गहराई, 34 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज है। डीप नेक गले का डिजाइन है, तो ये नाप आप 36 साइज पर भी रख सकते हैं, 36 से लेकर 38 साइज तक ये नाप रख सकते हैं। 1 इंच 2 पॉइंट डिजाइन के लिए लेंगे। ऊपर से 2 इंच लेंगे, तो ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए 1 इंच 2 पॉइंट पर ये गले के बाहर वाली साइड से इस तरह निशान बना लेना है। गले की चौड़ाई 3 इंच ही रहेगी डबल फोल्ड करके। ये वाला डिजाइन के लिए है, ये जो 1.5 इंच बढ़ाया है। तो दोनों साइड देखिए पहले निशान बना लेंगे, सिलाई लगाने के बाद इसे कट करना है, तो इसलिए दोनों साइड से निशान बनाना है। अब देखिए कपड़े की सीधी वाली साइड में अस्तर को इस तरह से रखना है, और देखिए जहाँ से निशान बनाया है बाहर वाला जो निशान है वहीं से सिलाई लगानी है, अंदर वाले निशान को छोड़ देना है। तो देखिए सिलाई लगा दी है, उसके बाद नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको कट कर लेना है। उसके बाद देखिए इस तरह से कट लगा देंगे। तो पूरे गले पर कट लगा लेना है, उसके बाद इसको पलट कट सीधा कर लेना है। यहाँ पर देखिए कपड़े को अच्छे से निकाल लेना है। उसके बाद गले के ऊपर एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह देखिए सिलाई हमने लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद जो कपड़ा ज़्यादा आएगा उसे कट करके बराबर करना है। तो जहाँ पर कपड़ा ज़्यादा है तो इस तरह कट कर लेंगे। अब देखिए इस पर डिजाइन बनानी है। तो डिजाइन बनाने के लिए देखिए यहाँ पर हम इस तरह से कपड़ा कट करेंगे। कपड़े की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। 1 इंच की हमें पट्टी पहले तैयार करनी है, जिसकी चौड़ाई तैयार पट्टी की 1 इंच होगी। अब इसको पलट कर सीधा करना है।
तो इस तरह देखिए पट्टी को हमने सीधा कर लिया है। अब देखिए इस तरह मोती डालेंगे इसमें। तो मोती डालने के बाद इस तरह इसको कट कर लेना है। इसी साइज की देखिए इसी तरह से सारी डिजाइन हमें तैयार कर लेनी है पहले। एक साइड से एक किनारे से पहले मोती को इस तरह डाल लेंगे। तो एक किनारे से डालेंगे तो ये अच्छे से चले जाएगी इसमें। उसके बाद बराबर करना है और फिर उसी साइज की इसे भी कट कर लेना है। तो इसी तरह सारी डिजाइनें जितनी लगेंगी तो तैयार कर लेनी है। अब पेपर लेंगे और पेपर के ऊपर गले को मिलाकर रखेंगे। पहले बराबर से इसको मिला लेना है, जितनी चौड़ाई गले की थी उतना ही रखना है और दोनों साइड से पिन लगा देंगे। फिर जहाँ से गले का निशान है वहीं जहाँ से गला है वहीं से निशान बना देंगे पेपर पर। तो इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा नहीं करना है, बराबर से ही इसको फैलाना है। जितनी गले की चौड़ाई थी उतना फैला कर रखना है और दोनों साइड से पिन लगा देना है। उसके बाद देखिए इस तरह से पेपर पर निशान बना देंगे। तो देखिए इस तरह निशान बना दिया है। अब जो ज़्यादा ऊपर पेपर आएगा उसे कट कर देंगे। थोड़ा सा देखिए जहाँ से निशान बनाए वहाँ से थोड़ा सा बचा लेना है सिलाई लगाते समय, ताकि वहाँ तक पाइपिंग बना लें तो सिलाई के लिए हो जाएगी। अब डिजाइनों को देखिए एक बराबर से रखना है और अच्छे से एक बराबर से रखते हुए पूरे डिजाइन इसी तरह सेट करना है। तो देखिए गले वाली साइड से सभी डिजाइनों पर हमने सिलाई लगा दी है। देखिए नीचे की तरफ भी दूसरी साइड भी इस पर सिलाई लगा देना है, ताकि सेट करते समय इधर उधर ना हो तो सिलाई लगी रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो देखिए हमने दूसरी साइड से भी इस पर सिलाई लगा दी। उसके बाद इसे कट करना है। अब यहाँ से पेपर को कट कर देंगे। तो कट करने के बाद गले पर पाइपिंग बना लेनी है। तो इस तरह देखिए पाइपिंग बना ली है। अब इसको गले पर सेट कर देना है। तो यहाँ पर पहले देखिए अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर एक पिन लगा देंगे, तब सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे तो ये बराबर से गले पर सेट होगा।
तो इस तरह देखिए सिलाई लगाकर इसको सेट कर दिया है। अब देखिए जो पेपर है उसको निकाल देना है। तो इस तरह देखिए पेपर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और अच्छे से पेपर को निकाल देंगे। तो इस तरह देखिए हमने पेपर को निकाल दिया है। अब गले पर लेस लगाना है। तो पहले इसका प्लेट बना देंगे, नीचे की तरफ भी लेस लगाएंगे। प्लेट बनाने के बाद ही नीचे की तरफ लेस लगाना है। तब देखिए गोल्डन लेस लेंगे और इस तरह इसको लगा देना है पूरे गले पर। तो गले पर लेस लगा दिया है, नीचे की साइड में भी लेस को लगा देंगे। तो अब यह डिजाइन बन के तैयार है। गले पर डोरी लगा देंगे बाद में। तो डिजाइन हमारा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।